नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आज में। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। उज्जैन में महाकाल थाना पुलिस ने नकबजनी करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक आरोपी नाबालिग है। दोनों बदमाश देर रात मोहनपुरा रेलवे ट्रैक की तरफ जा रहे थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। आरोपियों के पास से पुलिस को दो राइफल बरामद हुई है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ में आमिर ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने कबूतर छत पर जाने की बात कहकर अनीस के मकान की रैकी की थी और फिर नाबालिग की मदद से मकान में दाखिल होकर दो राइफल चुरा ली थी। इसी तरह उन्होंने भेरूगढ़ थाना इलाके के एक मकान से करीब 80,000 रुपये के काजू बादाम चुरा लिए थे। आरोपी आमिर बंदूक बेचने का काम करता है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज थे। देखिए, थाना महाकाल को मुखबिर की सूचना के आधार पर यह पता चला था कि दो लोग जो है मोहनपुरा ब्रिज के पास हथियारों का सौदा करने वाले हैं। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने दो राइफलों के साथ दो लड़कों को, जिसमें से एक बाल अपचारी है, और उनको गिरफ्तार किया। मौके से ही दो राइफल बरामद हुए, जो एक .22 का है और दूसरा 12 बोर का राइफल है। पूछताछ में यह पता चला है कि जीवाजीगंज थाना अंतर्गत आज से तकरीबन साल भर पहले इन राइफलों को इन्होंने चोरी की थी, तो उसी को बरामद किया पुलिस ने। देखिए, अभी तक जो पूछताछ हुई है उसके आधार पे यह पता चला है कि उन्होंने कोई ऐसा अपराध अभी नहीं किया है इस राइफल के साथ। उन्होंने सिर्फ चुरा के रखा था, किंतु अभी विवेचना में ये बातें और स्पष्ट होगी और साथ ही साथ अन्य थाना क्षेत्रों से भी पता करेंगे कि इस प्रकार के इस साइज़ के राइफल से कहीं कोई वारदात नहीं हुई हो अथवा किसी को डराया चमकाया नहीं गया। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट, न्यूज़ आज। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ आज के साथ।